जब हमें कहते हैं मेरे अलावा इस विश्व में कोई भी मेरा नहीं है, तो फिर कोई भी मेरा नहीं अर्थात कोई भी मेरा नहीं। मैं सिर्फ पूर्वोक्ता ने भी अपने प्रमाणों में प्रस्तुत किया था कि उसमें हमको राज की सत्ता भी फिर हमको स्वीकृत नहीं होगी। वह विशुद्ध आत्मा, वह भगवान आत्मा, वह त्रिकाली भूल गए तत्व मैं हूँ। इस श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। शास्त्रों में बड़ी गहराई से इसकी बात करी गई है। अमृतचंद्र आचार्य देव तो ये कहते हैं कि 100 काम छोड़ के ये काम करो, सबसे पहले तत्रादौ सम्यक तुम, सबसे पहले सम्यक दर्शन करना चाहिए। भगवती आराधना तो ये कहता है कि एक और तीन लोक का राज्य हो और दूसरी ओर सम्यक दर्शन हो, और तीन लोक के राज्य को छोड़ देना सम्यक दर्शन को नहीं। क्यों? सम्यक दर्शन मिल भी, तीन लोक का राज्य मिल भी गया तो कितने दिन का, और सम्यक यदि मिल गया तो ये अनंत काल तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब यह जो अविरत सम्यक दृष्टि की जो बात कही है, और हमने कहा उसके पास अविरत बना है, उसके पास ना सकल संयम है ना देश संयम है, तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या सम्यक दृष्टि आचरणहीन होता है? सम्यक दृष्टि के पास कोई व्रत नहीं, उसका नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। तो पहली बात तो मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के आश्रय से उन्होंने चारित्र के भेद करते हुए ऐसा कहा कि चारित्र दो प्रकार का है, एक संयमाचरण चारित्र, दूसरा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र के दो भेद किए, सकल संयमाचरण चारित्र और एक देश संयमाचरण चारित्र, और इसके बाद अविरत सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात कही, यानी अविरत सम्यक दृष्टि को भी आचरण करना पड़ता है। किस बात का? इस बात का फिर उन्हें व्याख्या करते हुए लिखा, मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूं, विस्तृत है कि 25 प्रकार के दोषों का परिहार करना यही उसके सम्यक्त के आचरण के अंतर्गत शामिल होता है। अब हम बात करते हैं जिस भरत चक्रवर्ती की, कि वो कैसा सम्यक दृष्टि है जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसके पास परमाणु मात्र भी नहीं है, और हम और आप शास्त्रों के आश्रय से दावा करते हैं कि हमने भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां देखी हैं, हमने भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य देखा है, और हम पूछते हैं शास्त्रों से सम्यक दृष्टि के पास कितना होता है, तो समय साथी गाथा ये कहती है कि सम्यक दृष्टि के पास परमाणु मात्र भी नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि हमने सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियों के साथ देखा है, और सम्यक दृष्टि भरत कह रहा है कि मेरा शरीर भी नहीं है, आखिर ये क्या मामला है? समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों में छुपा हुआ है। हम जिस सम्यक दृष्टि भरत की बात कर रहे हैं, हम जिस भरत का दृष्टांत दे रहे हैं, वह सम्यक दृष्टि भरत की बात कह रहे हैं, और आप जिस भरत की चर्चा कर रहे हैं वो असंयमी भरत की चर्चा कर रहे हैं। आपने असंयमी भरत के पास 96,000 रानियां देखी होंगी, आपने असंयमी भरत के पास 6 खंड का राज्य देखा होगा, आपने असंयमी भरत को युद्ध लड़ते हुए देखा होगा, सम्यक दृष्टि भरत को नहीं। सम्यक दर्शन का काम तो श्रद्धा गुण का परिणाम हुआ है, उसका तो परमाणु मात्र भी नहीं है। ये सम्यक दर्शन जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ हो, तो बनारसी दास जी तो बड़े ही मधुर शब्दों में ये बात कहते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिन चंदन केल करें शिव मार्ग में जग माह जिनेश्वर के लघु नंदन, यानी जिनेन्द्र परमात्मा के लघु नंदन की संज्ञा उनको दी है। और इस प्रकार से मैं अपने विषय को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। और इस सम्यक्त्व का प्रभाव क्या है, तो इसमें कहा, मैं सीधे रत्नकर श्रापाचार्य की गाथा का पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, मित्रों जो सम्यक दर्शन से शुद्ध दृष्टि हो जाता है, नारद त्रियंच षट स्त्रीपन कभी नहीं वह पाता है, वृत्तिहीन वे हो वह तो भी नीच कुलों में नहीं होते, नहीं होते अल्पायु दरिद्री विकृत देही नहीं होते। और इस तरह से सम्यक दृष्टि की जो अंतिम भावना है, वो भावना मैं आपको दो पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि सम्यक दृष्टि क्या चाहता है। प्रसन्न बनते हैं, कोई नाराज होता है, कोई रूठता है, सम्यक दृष्टि की भावना सुन लीजिए, चाहे मात ताप सुत नारी यार रूठ जाओ। सम्यक दृष्टि की तरफ से छूट है, कौन कौन रूठ सकता है? चाहे मात ताप सुत नारी यार रूठ जाओ, कुटुंब कबीला परिवार रूठ जाइए, रूठ जाओ चाहे क्यों ना राजा राव साहूकार, चाहे पूर्ववासी देशवासी रूठ जाइए, चाहे जाति बिरादरी रूठो पंच चौधरी हूँ हाकिम हुकाम सारे, चाहे रूठ जाइए साधु संत जंत
जंत्र मंत्र तंत्रवादी रूठ जाओ, एक दिन देव मुझसे तुम्हारी बचाई दे, एक दिन देव मुझसे तुम्हारी बचाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन जी, आपने समय सीमा में ही अपनी बात कही है।